देखिए, बाबा सिद्दकी जी की हत्या दुखद है। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे जी की सरकार, देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार, अजीत पवार जी की सरकार, एनडीए की सरकार ने 24 घंटे के अंदर ही दो आरोपियों को पकड़ लिया है। एक आरोपी की तलाश जारी है और वो भी जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। जो भी आरोपी है वो बख्शा नहीं जाएगा। इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। बाबा सिद्दीकी जी एक बड़े नेता थे और महाराष्ट्र के अंदर एनडीए शासन के अंदर कोई भी हत्या करके कानून से बच नहीं सकता। अगर आप एक चीज़ देखेंगे कि विद इन मिनट्स ऑफ क्राइम द पुलिस केम इन टू एक्शन, पुलिस ने इस पर तुरंत एक स्पेशल टीम बनाई, आरोपियों को पकड़ा और खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने कहा है कि वो पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। ड्यू प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से आरोपियों को सज़ा भी दी जाएगी। हम इसमें राजनीति नहीं करना चाहते और ये आश्वस्त करना चाहते हैं महाराष्ट्र की जनता को कि आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जा चुका है और जो भी इसका मास्टरमाइंड होगा वो सिर्फ और सिर्फ जेल के सलाखों के पीछे होगा, क्योंकि हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है किसी भी क्रिमिनल के खिलाफ। दशहरा मनाते हुए बोले हैं कि मैं अगर अगली बार चुन के आता हूँ तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में शिवाजी की मूर्ति लगाऊंगा, इस पर क्या कहें? देखिए, एनडीए की जो सरकार है, एनडीए की सरकार छत्रपति शिवाजी जी महाराज की आइडियोलॉजी को आगे ले जाने वाली सरकार है, वीर सावरकर जी की आइडियोलॉजी को आगे ले जाने वाली सरकार है, बाबा साहेब अम्बेडकर जी की आइडियोलॉजी को आगे ले जाने वाली सरकार है, फूले जी की आइडियोलॉजी को आगे ले जाने वाली सरकार है। ये मराठी मनुष्य की सरकार है और महाराष्ट्र के हर नागरिक की भलाई करने की सरकार है। हम तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करते। हम महाराष्ट्र में हर जाति की, हर वर्ग का विकास करने की बात करते हैं। 2 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को लाडकी बहना योजना देकर हमने ये साबित कर दिया है कि हम एक प्रो डेवलपमेंट सरकार हैं। तभी आने वाले समय के अंदर, आने वाले चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी, एनडीए, एकनाथ शिंदे जी, अजीत पवार जी की सरकार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप के अंदर वापस से आने वाली है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.